तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं जॉनी, जो कि एक कक्षा 7 के स्टूडेंट हैं, और हम इनकी किताब से ही लिए गए कुछ प्रश्न इनसे पूछेंगे, और पूछने के बाद जब तय करेगी हमारी टीम कि ये कहाँ तक इन्होंने सही बताए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, और उसके बाद डिसाइड करेंगे इनका जो क्या करना है क्या नहीं करना है, इनके ये कहाँ तक पहुँचे हैं। तो पहला क्वेश्चन जॉनी जी, जीवन उपस्थित है, आपके लिए ऑप्शन है चंद्रमा पर, मंगल पर, पृथ्वी पर या सूर्य पर। मंगल पर। जोर से बोलो। मंगल पर। तो इन्होंने पहले क्वेश्चन का जो जवाब दिया है वो दिया है मंगल पर, जो कि जीवन उपस्थित है मंगल पर, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है स्थल मंडल की औसत मोटाई लगभग कितनी है। तो दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिएगा, स्थल मंडल की औसत मोटाई लगभग कितनी है। तो ऑप्शन है 5 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। तो इन्होंने जो दूसरे क्वेश्चन का जो जवाब दिया है वो दिया है 100 किलोमीटर, यानी कि स्थल मंडल की औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर, ठीक है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो है वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितने प्रतिशत मात्रा है, ठीक है। ऑप्शन है 5%, 7%, 21%, 78%। दोबारा सुन लो क्वेश्चन को, वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितने प्रतिशत मात्रा है, ठीक है। ऑप्शन है 5%, 7%, 21%, 78%। 78%। ठीक है, इन्होंने जो जवाब दिया है वो दिया है 78%। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग कितने प्रतिशत है। वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग कितने प्रतिशत है। तो क्वेश्चन ऑप्शन है 21%, 78%, 16%, 10%। थोड़ा इधर देखते हैं, इधर देख के जवाब दें, ठीक है। तो बताइए। 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग कितने प्रतिशत है, इनका जो जवाब है वो है 21%। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी पर संचित संपूर्ण जल क्या कहलाता है। पृथ्वी पर संचित संपूर्ण जल क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है जीवन मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। दोबारा सुन लो क्वेश्चन को, पृथ्वी पर संचित संपूर्ण जल क्या कहलाता है। जीवन मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल या वायुमंडल। जल मंडल। तो इन्होंने जो जवाब दिया है वो दिया है जल मंडल, यानी कि ऑप्शन बी का जो इन्होंने आंसर को टिक किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल परत पाई जाती है। तो जो छठवां जो क्वेश्चन है वो है, मेंटल परत पाई जाती है आकाश में, पृथ्वी पर, प्रच्छों में या फिर ज्वालामुखियों में, ठीक है। दोबारा सुन लो, मेंटल परत पाई जाती है आकाश में, पृथ्वी पर, वृक्षों में या फिर ज्वालामुखी में। पृथ्वी पर। तो इन्होंने मेंटल परत पाई जाती है और जो चूज किया है वो है पृथ्वी पर, ठीक है। सही और रॉन्ग का फैसला हमारी टीम करेगी, जो कि जितना ये बता रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में किया जाता है। भूकंप की तीव्रता, ज्वार भाटा तीव्रता या जल तीव्रता या फिर इनमें से कोई नहीं। भूकंप। तो इन्होंने बताया है कि भूकंप की तीव्रता, ठीक है। आठवां जो क्वेश्चन है वो है, मैग्मा निकलता है। तो मैग्मा निकलता है, ऑप्शन है चंद्रमा से, ज्वालामुखी से, सूर्य से या फिर मंगल से। ज्वालामुखी से। इन्होंने मैग्मा निकलता है जो जवाब दिया है वो दिया है ज्वालामुखी से, जो ऑप्शन नंबर बी है,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, ये जानने का इनसे पूरा प्रयास करेंगे। और इनके लिए ऑप्शन है समताप मंडल, अंतः मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल। समताप मंडल। इन्होंने जवाब दिया है समताप मंडल। ओजोन परत पाई जाती है, इन्होंने जो जवाब दिया है वो दिया है समताप मंडल, जो कि नंबर ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर स्थित आवरण को कहते हैं, यानी कि जो पृथ्वी के जो चारों तरफ आवरण है उसे क्या बोला जाता है, इसके बारे में जो ऑप्शन है वो है तापमंडल, वायुमंडल, आयन मंडल या जलमंडल। जलमंडल। तो जवाब इन्होंने दिया है जलमंडल। पृथ्वी के चारों ओर स्थित आवरण को कहते हैं जलमंडल, ठीक है। इनका जो जवाब है वही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, कुछ करंट के क्वेश्चन हैं जो कि हम इनसे पूछ लेते हैं कि ये करंट में कितने एक्टिव हैं, कितने नहीं हैं, वो भी इनसे पूछ लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ऑप्शन है आपके सामने ओम बिरला, सतीश गोस्वामी, राकेश यादव या फिर स्मृति ईरानी। ओम बिरला। तो जवाब में दिया है इन्होंने वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि ऑप्शन नंबर ए इन्होंने ठोका है, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो दोबारा सुन लो इस क्वेश्चन को, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद या वेंकैया नायडू, अमित शाह, राजनाथ सिंह। वेंकैया नायडू। तो जवाब में इन्होंने दिया है वेंकैया नायडू, ठीक है। अलीगढ़ का सांसद कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ का सांसद कौन है, ऑप्शन सुन लीजिए, सतीश गौतम, नत्थी सिंह या दीनू पंडित या विकास शर्मा। सतीश गौतम। ओके, अलीगढ़ का सांसद कौन है, तो वो है सतीश गौतम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खैर विधानसभा का एमएलए कौन है, इस समय प्रेजेंट टाइम के क्वेश्चन हैं जो सभी इस पर अपने अपने पदों पर हैं, वही क्वेश्चन इनसे पूछ रहे हैं करंट के जो खैर विधानसभा है, ये खैर विधानसभा से ही आते हैं इसलिए इनसे वो क्वेश्चन पूछा गया है। खैर विधानसभा का एमएलए कौन है, अमित शाह, सतीश गौतम, उमेश गुप्ता या अनूप वाल्मीकि। अनूप वाल्मीकि। ओके, तो इनका कहना है कि जो खैर विधानसभा का जो एमएलए है वो है अनूप वाल्मीकि। ओके, एक क्वेश्चन और है जो हम पूछ लेते हैं, 15वां क्वेश्चन, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, तो ऑप्शन में है रामनाथ कोविंद या अमित शाह, मनीष सिसोदिया या फिर केजरीवाल। केजरीवाल। ओके, तो दोस्तों इन्होंने बड़े ही बेबाकी से 15 क्वेश्चनों का जवाब दिया है, आपने देखा होगा कि इन्हें बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही है। क्वेश्चन के जवाब देते समय आपको कोई घबराहट हुई? नो। इनका कहना है कि नहीं। तो देख लीजिए, इसी तरीके से हम बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं और उनको ये हमारी टीम डिसाइड करके बताती है इन्होंने सही कितने किए, गलत कितने किए। अब इनको सबसे ज़्यादा फोकस किन सवालों पर या फिर कैसे पढ़ना है वो पूरी तरह से बताया जाएगा, ठीक है। और जैसे भी इनका प्रदर्शन हमारे बीच में रहा है, अगर जैसे भी इनकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी, जैसे पैसे की ज़रूरत है तो पैसे भी इनको दिए जाएंगे, अगर इनको किताब, कॉपी, पेंसिल या आने जाने में कोई भी चीज़ की असुविधा होती है तो हमारी टीम इनका पूरा खर्चा उठाएगी। तो दोस्तों घबराइएगा नहीं, ऐसे ही हम हर बच्चे के साथ करेंगे। और जैसा कि हमने कहा था कि बच्चे के खर्चा हम उठाएंगे, अब देखते हैं इनके क्वेश्चन कितने सही हैं, इनको किस चीज़ की सुविधा की ज़रूरत है वो हमारी टीम पूरी तरह से उपलब्ध कराएगी, जिस भी चीज़ की इनको ज़रूरत होगी। तो ये वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, तो थैंक यू गाइज ऐसे ही अपनी वीडियो में हमें प्यार देने के लिए। इसको दबा करके सब शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये हर बच्चे तक, हर नौजवान तक, हर एक फैमिली में ये वीडियो और एक मैसेज चला जाए, ताकि कि अपने बच्चों को आईक्यू जो लेवल है चेक करवा सकें। तो ठीक है गाइज, ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।